के मन में ये बातें थी कि रूबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला जो इतने आइकॉनिक बन चुके हैं, आइकॉनिक कपल बन चुके हैं, इतना ज्यादा फैंडम ले रहे हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं, इसके पीछे रूबीना और अभिनव की पीआर की टीम का काम है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बात पर खुलासा करते हुए नजर आए हैं अभिनव शुक्ला। क्या कहना है इनके ट्वीट में, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। आपको याद दिला दूं, रूबीना ने एक बार कहा भी था कि पीआर टीम क्या, मतलब पीआर टीम क्या होता है, पीआर कैसे होता है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्लस यहाँ पर रूबीना ने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कैसे करते हैं उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है, जिसके बाद से ही उनका फैंडम बढ़ता चला गया और उनके लिए धीरे 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 जो है वो ट्रेंड बनने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर अभिनव शुक्ला ने इस बात की पूरी क्लैरिटी दी है कि उनकी पीआर टीम है या नहीं है। तो उन्होंने एक नहीं बल्कि दो ट्वीट किए हैं। तो उन्होंने अपने पहले ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर वो लिखते हैं, व्हाट लव एंड सपोर्ट यू गाइज हैव शावर्ड ऑन मी, हम्बल्ड विद सो मच लव एंड अप्रिसिएशन, नाउ लेट्स सपोर्ट आर हैशटैग शेरनी रूबीना, जय हिंद। इसके बाद में उन्होंने एक और ट्वीट किया है हैंड टू हैंड, जिसपे उन्होंने अपनी पीआर टीम को लेकर कहा है कि आखिरकार उनकी पीआर टीम है या नहीं है। तो लिखते हैं, ऑल्सो गाइज Both of us have not hired any PR yet. What you see on social media is pure love of fans. And you lovely people, big thanks to you all. Jai Hind. Well, आपको बता दूं यहाँ पर जो भी आप सोशल मीडिया पर प्यार देख रहे हैं, चाहे वो अभिनव के लिए हो, चाहे वो रूबीना के लिए हो, इसमें सिर्फ जनता का ही प्यार है। यहाँ पर कोई PR टीम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जनता, जनता और सिर्फ जनता। और वैसे भी जनता से बड़ी पीआर कौन हो सकती है, ये पीआर टीम नहीं है, ये पीआर आर्मी है जो कि लोगों को पसंद आ रही है। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।